पूरा त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा परिवार को नल से पानी मिल रहा है और सोनामुरा में भी 2000 फैमिली को आज जल जीवन मिशन का जरिए हम लोग को पानी मिल रहा है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने मेरा माँ के लिए गैस का व्यवस्था किया, मेरा माँ के लिए साउल का व्यवस्था किया, मेरा माँ के लिए हेल्थ कार्ड का व्यवस्था किया। साल में 5 लाख रुपया तक मुफ्त में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और घर घर में शौचालय का भी व्यवस्था किया। सीपीएम सरकार में कौन सा स्कीम था? कोई तो स्कीम नहीं था। हर जगह में खाली सीपीएम का कार्यालय होता था। त्रिपुरा में मस्जिद कम, त्रिपुरा में मंदिर कम, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा सीपीएम का कार्यालय ही हुआ करता था। कोई काम नहीं था। थाना में जाना है, सीपीएम को सलाम करो। सरकारी नौकरी मिलना है, सीपीएम को सलाम करो। भत्ता मिलना है तो दिन भर सीपीएम का साथ मिसेल में चलो। खाने का भी व्यवस्था नहीं है, चाय भी नहीं पिलाता है और मिसिल में लाल सलाम करके घूमते रहो। यही था सीपीएम का जिंदगी। लेकिन आज आप लोग देखिए, हमारा हिंदू हो मुसलमान युवक हो, आज ईडब्ल्यूएस का कोटा का व्यवस्था हुआ। सरकारी नौकरी में, मेडिकल सीट में, इंजीनियरिंग सीट में आज गरीबों के लिए सीट का संरक्षण का व्यवस्था हुआ। नौकरी में आज आपको बीजेपी का मिसिल में जाना नहीं है, खाली दिल में मोदी जी को रखिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। 1 रुपया भी कहीं आपको देना नहीं है। ये आज हमारा परिस्थिति है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप लोग को देखना है। 25 साल में कभी घर में आपको गैस नहीं मिला था। 25 साल में आपका घर में कभी भी साउल नहीं आता था, कभी भी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था नहीं था, कभी भी आपका घर में नल से जल नहीं था। आज आप लोग देखिए, मातावारी है, मैं तो 2018 साल से बहुत बार ये रास्ता से आया हूँ। आज आप रास्ता का व्यवस्था देखिए, त्रिपुरा में रास्ता का हालत कितना बढ़िया हो गया है। आज रेल से आप राजधानी से दिल्ली तक आप जा सकता है। अभी तो प्रतिमा दीदी ने आप लोग को बोला कि यहाँ में बाईपास से भी नया रास्ता बनने जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सब प्रतिमा दीदी को धन्यवाद करना पड़ेगा। किसलिए? दीदी दिल्ली का मिनिस्ट्री में है, इसलिए आज केंद्रीय सरकार मोदी जी त्रिपुरा का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो गरीब का कल्याण का काम आज मोदी सरकार ने स्टार्ट किया है, वो सीपीएम बर्बाद ना करे। सीपीएम आए, साउल बंद कर सकता है, बोले मिसिल नहीं आएगा तो साउल नहीं मिलेगा। सीपीएम आएगा, बोले मिसिल नहीं जाएगा तो बैंक का अकाउंट में रुपया नहीं आएगा। सीपीएम आएगा, बोले मिसिल में नहीं जाएगा तो आपका हेल्थ कार्ड एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन आज मोदी जी का समय में हिंदू हो मुस्लिम हो, सबका साथ सबका विश्वास आज सबके लिए काम हो रहा है। भाई और बहनों, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया हूं। आज हमारा ये सोनामुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवव्रत भाई चुनाव लड़ा है, आप इनको जिताइए और सोनामुरा में काम को डबल ट्रिपल करने के लिए प्रतिमा दीदी और देवव्रत जी दोनों मिलके आप लोग के लिए काम करेगा। चुनाव तो मंत्रिसभा बीजेपी कर सकता था। हमारा त्रिपुरा का महाराज है प्रद्युत किशोर जी, वो हमको आके बोला, मेरा साथ बात किया, गुवाहाटी में भी बात किया, दिल्ली में भी बात किया कि आप हमें त्रिपुरा लैंड दे दीजिए, मैं आपका साथ समझौता करूंगा। फिर मैंने बोला, देखो त्रिपुरा लैंड तो नहीं मिलेगा, जनजातियों का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन आप त्रिपुरा को 2 भाग आप नहीं कर सकते हैं,
बोले नहीं नहीं मुझको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने पंडित जी को बोला साहे बीजेपी सरकार करे या ना करे लेकिन हम त्रिपुरा को खंडित होने नहीं देगा। हमने क्लियरली बोला, उनका मुंह में बोला, इनका मुंह में बोला कि आपको कभी त्रिपुरा लैंड आपको नहीं मिलेगा। किसलिए? आपका दादाजी ने भी कभी त्रिपुरा लैंड डिमांड नहीं किया था। आज आप उनका नाती होके कैसे आप त्रिपुरा लैंड डिमांड कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। हाँ, हम जनजाति के उत्थान के लिए काम करेगा, इकोनॉमिक कल्चरल पॉलिटिकल जो सही है लीजिए, लेकिन जैसे त्रिपुरेश्वरी माँ का मंदिर दो नहीं हो सकता है, ऐसे त्रिपुरा लैंड भी त्रिपुरा से नहीं हो सकता है। ये हमने उनको बोल चुका। ये दम सीपीएम में नहीं, ये दम कांग्रेस में नहीं है, ये दम खाली बीजेपी में होता है, खाली बीजेपी में होता है। भाई और बहनों, गरीब का कल्याण हो या त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो, हमें डबल इंजन सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी अगरतला में, नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों इंजन एक साथ चलेगा तो हमारा त्रिपुरा का विकास होगा। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग का बीच में जोश है, उमंग है, उत्साह है। मेरा मानना है कि सोना मोरा भाई जीतेगा ही जीतेगा, ये 100% श्योर है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मोदी जी को वोट देगा कि नहीं देगा? कौन सा सीन में वोट देगा? कौन सा सीन में? बढ़िया, आप लोग का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट है। मोदी जी को देना है, देवव्रत भाई को देना है, और कहा में देना है? पद्म फूल में देना है। सवार भालो तो एकदम भालो, ठीक है? आबार देखा होबे इलेक्शन और पर विजय मिशिले, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रतिमा भूमि, प्रतिमा भूमि, देवव्रत बच्चा जी, देवव्रत बच्चा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम तो समझे स्वागत, हम तो समझे जियापत, हम तो समझे जियापत। आम दर्शकों को दिखा रहे थे त्रिपुरा के सोनामुरा से सीधी तस्वीरें, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा आज एक और रैली को संबोधित कर रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों का बयान, नीतियों के बारे में जानकारी दी, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियों दी। मानिक साहा सरकार को लेकर क्या उम्मीदें करती हैं और किस तरह से वह अपने आगे भी जनता को सुविधाएं मुहैया कराएंगी, उसे लेकर उन्होंने आश्वासन दिया है, जानकारियां साझा की है। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर दोपहर। Follow the elections with Northeast Live, the number one English and Hindi news channel in Northeast. This time, nothing like that. You will be top. The mood of the people. Yeah, BJP. The Motha decision of a team we have prepared next year. And like that is good. It's fun. लोरा स्वाली संभालाटो माकर जदि काम होबो पारे तेंते बिजनेस क्यो होबो नोवारे। ब्रिटानिया मारीगोल्डे आरतिर साहसले लै आहिल शक्ति, एक नतुन जीवन आरम्भ करार बिलिका, कारण बहुत खिनि आसे करिबोलो। ओवर 21 लाख वोटर्स
What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? We are at Raksam Gray in West Garo Hills of Meghalaya. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन. हाउ इज योर पार्टी गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन? आर यू कॉन्फिडेंट? फॉलो द इलेक्शंस विद नॉर्थ. जे दर्ज किया गया जिसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 रही. भूकंप में मरने वाले लोगों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,300 के पार पहुंच गया है. वहीं सीरिया में